अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। और हमेशा की तरह सबसे पहली पट्टी यही है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, लाइक करें और तो प्लीज सब ये करें, ठीक है। तो सबसे पहले जी आगाज़ है वीडियो का, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो आगाज़ है वो है नाश्ते से। आप कहते होंगे भाजी हर वारी रोटियाँ ही बनाती रहती है। नहीं, सारा दिन नहीं बनाती मैं रोटियाँ, असल में सुबह का आगाज़ होता है नाश्ते से। तो व्लॉग भी ज़ाहिर है पूरी डेली रूटीन यही होती है कि आप अपनी रूटीन शेयर करें। तो मेरी रूटीन में सबसे पहले नाश्ता ही आता है। तो आज मेरा इरादा तो था सादी रोटी बनाने का, ऑमलेट बनाया था साथ। तो हाइका ने बोला कि मैंने तो खाना पिज्ज़े वाला पराठा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक स्क्वायर रोटी बनाई और उसके चार पीस किए, एक साइड से पका ली, एक साइड से कच्ची रखी। इसकी फुल रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो जाके सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पराठा जो है ये बन रहा है। एक साइड से जो कुक साइड है वो मैंने अंदर कर ली है, ऑमलेट रखा है, चीज़ डाली है। आप चाहें तो वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह, गाजर वगैरह, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते इस वजह से ऐसे ही। तो मैंने इस वजह से इसको दोनों साइडों से पका लिया है और अब हाइका को मैं दे दूँगी, क्योंकि ये ना हैवी बहुत हो जाता है तो दो पीस काफ़ी होते हैं बच्चों के लिए, ठीक। तो जितना उनका पराठा है उतने ये दो पीस बन गए हैं, ठीक। तो ये काफ़ी हैवी होता है तो इस वजह से बच्चे जो है ना वो दो ही खा के ना रच जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ना ठीक ना ठीक क्यों बोल रही हूँ, चलें बहरहाल छोड़ें इसको। इसके बाद मैंने ये दिया हाइका को। तो मेरा इरादा था तलहा को प्लेन बना के दूंगी, तलहा जो है ना वो बातों में आ जाता है, लेकिन जब उसने हाइका का देखा तो उन्हें कहा ना मामा आज नहीं आना थोड़ियाँ गलना, मैनू भी बना के दो। फिर उसका स्क्वायर पराठा बनाया मैंने सेम इसी तरह, लेकिन उसका मैंने कट नहीं किया, एक साइड से मैंने सारा मसाला लगा के, मैं वो चीज़ वगैरह लगा के, तो इसी तरह मैंने उसको दोनों साइडों से पका लिया। क्योंकि तलहा जो है ना वो मेस थोड़ा ज़्यादा करता है, वो भी सही करके खाता नहीं है चीज़ों को, खाता है माशाल्लाह खुद खाता है लेकिन मेस कर देता है। उससे मैंने एक साइड से इसको बस इस तरह करके ना मैंने दरमियान में से कट कर दिया, तो एक साइड से ये जुड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, ये देखें चीज़। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मेरी तो मुक गई सी, हर बार ही मुक जाती है, तो इस वजह से वैसे भी चीज़ इतने ज़्यादा खाते भी नहीं है मेरे बच्चे, बस बहाने देख लो जुगाड़ तिलाना ना। उसके बाद जी है फ्रूट टाइम। तो ये आलू बुखारा लाए थे मेरे मियाँ जी, तो कलर देखें कितना प्यारा है, लेकिन जब मैंने इसको खाया तो फिक्का, बिल्कुल मज़ा नहीं आया खाने का। तो ये देखें मेरे हाथ गर्मी की वजह से ना मेरी स्किन उतरना शुरू हो गई है, असल से खून भी बड़ा ही गर्म है मेरा, चंगेज़ी खून है। तो ऊपर से जब गर्मी होती है ना तो फिर स्किन जो है ना मेरी उतरना शुरू हो जाती है। मैंने सोचा था शायद पाकिस्तान में ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे भी वही हाल है। और साथ में मैं देख रही हूँ YouTube, अपनी फेवरेट जो यूट्यूबर हैं नौश, और साथ में ये मैसेज आया है, जब वो मेरा व्लॉग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किन का मैसेज है। तो साथ में थोड़ी मैसेज आ रहे थे और साथ में अपना व्लॉग देख रही थी, और साथ में मैंने फिक के बस दो ही खाए आलू बुखारे, बाकी मैंने एक जो है ना वापस रख दिया, मैं कब मैं नहीं खाना तेनों। और उसके बाद वापस किचन, क्योंकि औरत की जो दुनिया होती है वो किचन 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 होती है, ठीक है। तो पहले आपने एक भांडा ले लेना है और उस भांडे के अंदर आपने लेना है 2 लीटर तक पानी, ठीक है। मैं बना रही हूँ हलवा, बहुत मज़े का सूजी का दानेदार हलवा, जो कमर्शियल स्टाइल में जो आपको मिलता है ना होटल्स वगैरह पे, पूरी के साथ या नान के साथ खाने के लिए, वो आज हम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ली हैं 3-4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, इसके अंदर डाल देनी है आपने, और साथ में आपने ज़रदा रंग लेना है क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। मैंने बिल्कुल 1/2 टीस्पून लिया था। तो उसके बाद हमने इसको रख देना है चूल्हे पे और इसको गर्म होने देना है, ठीक है। तो जब ये इसके अंदर जोश आ जाएगा ना तो फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे, ठीक है। ये देखें शोरबा हमारा तैयार हो गया, तो इसको हम रख देते हैं चूल्हे पर और फुल फ्लेम पर, तो इसको हम पकने देते हैं। पकना क्या है, बस उबाल आंदे हुए नू। और उसके बाद यहाँ पे हमने ले लेनी है सूजी, ठीक है। सूजी के लिए देखें मेरा जो मशहूर ज़माना कप है ना, तो ये मेरा कप है और इसी कप के हिसाब से मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है तो मुझे जितना रीज़नेबल लगता है मैं बनाती हूँ यहाँ पे, लेकिन यह कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपने। तो यहाँ पे सूजी की एक ट्रिक मैं आपको दूंगी कि जब सूजी में कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि सूजी जब भी घर में आए फ़ौरन से उसको उठा के तो फ्रिज के एक कोने में रख दें, फ्रिज उत्ते नहीं, फ्रिज अंदर रखना है, अच्छा फ्रिज के अंदर एक कोने च रख दो। फिर चाहे ये साल पड़ी रहना तो इसके अंदर एक कीड़ा भी नहीं होगा। ये देखें मैंने आपके सामने ली है 1 कप सूजी, तो यहाँ मैं आपको छान के दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ़ सुथरी मज़े की सूजी थी। तो इसे आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, बस एक कोना फ्रिज का मल लेगी है, बाकी और कुछ नहीं होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है सूजी। और हलवा बनाने के लिए है कि जब भी आप कोई भी हलवा बनाएंगे तो आपकी क्वांटिटी जो है ना
बहुत आसान है मेजर करना। एक जिस कप के साथ आपने सूजी ली है ना, उतनी ही आपने चीनी लेनी है और उतना ही आपने ऑयल लेना है, ठीक है। यह होती है हलवे की मेजरमेंट हमेशा। और यहाँ पे मेरा हाथ देखें, ये उंगलियाँ मेरी ना सूज गई हैं, हाथ बंद नहीं हो रहा मेरा, पता नहीं क्या मसला है। ये पहले भी कुछ दिन पहले हुआ था और अब फिर हो गया, और हाथ मेरा बिल्कुल बंद ही नहीं होता फिर उसके बाद। तो यहाँ मैंने आपको मेजरमेंट बता दी है कि सूजी, जितनी आपने सूजी लेनी है उतनी चीनी और उतना ही ऑयल, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैंने जितनी सूजी ली थी ना उतनी मैंने चीनी ले ली है, ठीक। अब इस चीनी को आपने क्या करना है कि वो जो शोरबा आपने बनाया था ना येलो कलर का जर्दे वाला, तो उसके अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। वो चीनी को आपने इसके अंदर मिक्स होने देना, शीरा सा बनने देना, फ्लेम को लो कर दें और इसको पकने दें ताकि इलायची की खुशबू भी अच्छी तरह से इसके अंदर हो जाए पानी के अंदर, और चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और साथ में आप आ जाएं अब दूजे पासे। दूजा पासा कौन सा है, यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल। सेम उसी मेजरमेंट के साथ मेरा कैमरा जो है ना फोकस नहीं करता, बड़े तंग करता है। तो यहाँ पे मैंने उतना ही ऑयल ले लिया जितनी सूजी थी, जितनी चीनी थी, ठीक है। अब इस ऑयल को आपने सूट देना है फ्राइंग पैन के अंदर, ठीक। तो ठीक, साथ में ये मैं आपको दिखा रही हूँ, चीनी मिक्स हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर फ्राइंग पैन सूट दिया, क्या बात है मेरे दिमाग की, फ्राइंग पैन के अंदर मैंने ऑयल सूट दिया है, ठीक है। और इसके अंदर आपने सूजी डाल देनी है, और फ्लेम जो है ना वो आपने बिल्कुल लो रखना है, हाई नहीं करना, वरना सूजी जो है ना वो सड़ जाएगी फ़ौरन से, ठीक। और उसके बाद आपने इसको हल्के 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 घुमाते जाना, हिलाते जाना, मतलब इसके साथ खेलते रहना है आपने आहिस्ता आहिस्ता, और सूजी को आपने अच्छी तरह से भूनना है, ठीक। क्योंकि इसको आपने ना वाइट वाइट नहीं रखना, वरना मज़ा नहीं आता, कच्चा कच्चा सा हलवा होता है। और आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि सूजी ब्राउन हो जाए। और यहाँ पर मैं एक और ट्रिक आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सूजी ब्राउन हो गई है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप जाएं अपने हमसायों के घर, जो थोड़ा नाल वाला कार है, उन्होंने घर जाके पूछो, भाजी तुम्हें खुशबू आ रही है सूजी दी? अगर वो बोले ना हाँ आ रही है, तो इट्स मीन आपकी सूजी भुन चुकी है। और अगर ये ट्रिक भी काम ना करे, तो दूसरी ट्रिक ये है कि आप अपने घर वालों को बताए बगैर किचन में आ जाएं और सूजी को भूनना शुरू हो जाएं। जैसे ही थोड़े घर वालों की आवाज़ आए ना, यार आज की बन रहा है किचन में, आपके बच्चे आ जाए, मामा क्या बना रही हैं आज आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सूजी जो है वो अच्छी तरह से भुन चुकी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं। अच्छा सॉरी सॉरी, सीधी बात है, ये देखें सूजी ने जो है ना ऑयल छोड़ दिया, और इसके अलावा ये कि सूजी की जो खुशबू है ना वो बेहतरीन पूरे घर में फैलना शुरू हो जाती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सूजी जो है ना वो ब्राउन हो गई है, भुन चुकी है अच्छी तरह से, बाकी दोनों चीज़ें मजाक थी। तो बहरहाल वो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सूजी मेरी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। तो अब आपने क्या करना है कि जो आपने वो बनाया था ना ऑयल, पानी पानी ऑयल पानी जो भी बनाया था, तो उसको आपने इसके अंदर डालना है आधा, बिल्कुल आराम से, मुंह अपना बहुत पीछे रखना है, वरना मैं थोड़े मुंह की गारंटी नहीं दे सकती, जो नुकसान निगार होते थे बनन गए ना, क्योंकि अभी आपने देखा कि कितने छींटे उड़ते हैं, ठीक है। फ्लेम आपने लो ही रखना है, और लो फ्लेम में वो आधा जो पानी था ना शीरे वाला, वो आपने इसके अंदर डाल देना है, और साथ में आपने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि सूजी आपको पता है फ़ौरन से फूल जाती है और फ़ौरन से थिक हो जाती है। तो इस वजह से फ्लेम आप लो रखेंगे, अगर आप फुल रखेंगे तो ये थोबा बन जाएगा, और थोबा ज़ाहिर है आपने नहीं खाना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाते रहना है, और थोड़ी देर बाद जो बाकी का मिक्सचर है ना आपके पास, वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक। और अब आपने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे, चाहें तो फुल भी कर दें, लेकिन फुल पे बहुत जल्दी ये फूल जाएगी। वैसे तो सूजी पकी हुई है, हर चीज़ कुक्ड है, लेकिन फिर भी आप मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं, ताकि धीमे धीमे हल्की हल्की आंच पे ये बड़े मज़े का जो हलवा है ना वो दानेदार सा रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको हिला रही हूँ ताकि कोई लम्प्स वगैरह इसके अंदर ना रहें, और इसी तरह आपने इसको भी हिलाना है। और अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइए, क्योंकि हम लोग थोड़े से बंदे हैं, चार बंदे हैं माशाल्लाह से, तो हम लोग जो है ना वो इतना ही बनाते हैं कि जो हम लोग फ़ौरन से खा लें, क्योंकि मेरे बच्चों को जो भी मीठे हैं ना, जिस किस्म के भी मीठे होते हैं, वो बस ताज़ा ताज़ा पसंद होते हैं, उनको जो है ना ठंडे होके नहीं पसंद आते। तो इस वजह से हम जो है ना वो एक ही दिन में खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे देखें बबल्स आ गए हैं, यहाँ पे मुझे ना अपने चाचू याद आ गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें। तो वो कहते थे इनको टोपी वाले पठान, मतलब किसी किस्म का भी मीठा हो ना, दाल हो कुछ भी, वो कहते थे जैसे ही ऊपर टोपी वाले पठान आ जाए ना, तो उसका मतलब है आपका जो मीठा है ना वो कुक हो गया। तो आज मुझे ये बबल्स को देख के ना तो टोपी वाले पठान याद आ गए हैं। तो इट्स मीन हमारा भी जो हलवा है वो पक गया है। और यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ किया, और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ।
आप देखें एक एक दाना किस तरह से अलग है, और बिल्कुल जिन लोगों को ये होता है ना कि हलवा ठंडा हो गया तो बिल्कुल जुड़ जाता है, सख्त हो जाता है, तो ये वो नहीं होगा। बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी, आप देख सकते हैं, देख के दिल कर रहा खाने को, ताकि मैं सूजी का हलवा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी खाऊं। सॉरी खराश हो रही है गले में भाई। तो यहाँ पे बाउल ले लिया है मैंने, और मेरा कैमरा जो है ना फोकस नहीं करता तो मुझे बार बार चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें ऑयल किस तरह अलग हुआ हुआ है सूजी से। आप देसी घी, बटर जो आपके पास है, घी आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इनके ऑयल ही होता है तो मैंने ऑयल ही लिया है, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी आपको ये लग रहा है कि थोड़ा पतला है, रनी है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा ना तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा आपको हलवा पसंद होता है। थोड़ा थिक हो जाएगा लेकिन बिल्कुल जितना जुड़ जाता है ना वैसा नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे देखें कलर कितना खूबसूरत आया हुआ है। आपका दिल है तो आप ज़रदा रंग डालें, नहीं दिल करता तो ना डालें, सादा शीरा बना लें, लेकिन एक इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि मैं इसकी जो थोड़ी ठंडी लुक है ना, ये देखें आप, अब ये नॉर्मल है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। यहाँ पे मेरे साथ एक मिसहैप हो गया कि मेरा जब बादाम में काटने लगी तो मुझे याद आया कि हाथ मेरा तो बहुत ही सूजा हुआ है, और मेरा हाथ बिल्कुल बंद भी नहीं हो रहा था। छुरी के साथ बादाम काटने थे, बड़े ओखे मैंने बादाम काटे, 10 मिनट लगा के काफ़ी। ये देखें जरा मेरा हाथ, एक उंगली देखें और दूसरी मैं आपको चिची उंगली दिखाती हूँ अपनी दूसरी, ये देखें ये कैसी और ये कैसी। तो हाथ बंद नहीं हो रहा था, बड़े ओखे मैंने बादाम काटे, और जैसे ही मैं उसको उठाने लगी तो मेरे हाथ से प्लेट नीचे डिग गई, और जैसे ही नीचे गिरी तो सारे बादाम सब कुछ ज़ाया हो गया। फिर मैंने बहुत अपने आप को कोसा, लेकिन क्या कर सकते थे। फिर मैंने दोबारा से थोड़े से काटे सिर्फ गार्निशिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का हलवा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंस्टेंट बनने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और खाने में भी बहुत मज़े का। मेरे बच्चे माशाल्लाह उसी टाइम दो दो दफ़ा लेके खा भी चुके हैं, और अब सिर्फ मेरे मियाँ साहब के लिए पड़ा हुआ है, जब वो घर आएँगे तो वो खाएँगे। तो बस जी ये थी रेसिपी आज की, बहुत मज़े की, आई होप पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी फिर। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।